नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशा और हमारे खास पेशकश कोरोना को कैसे लॉकडाउन करना है इसको लेकर विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ हालातों पर आज खास तौर से हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 8 और मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद सूबे में संक्रमण की जद में आए लोगों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है और इसमें से 2 लोगों की मौत की पहले ही पुष्टि हो चुकी है और मरने वालों में एक इंदौर का निवासी तो दूसरी महिला उज्जैन की रहने वाली थी। ये दोनों मरीज 65 साल के थे और इन्होंने इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं फिलहाल जो लोग संक्रमित हुए हैं उनका प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और प्रदेश में सबसे ज्यादा हाल बेहाल इंदौर के ही बताए गए हैं। अकेले इंदौर में ही संक्रमितों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है और ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं और दूसरी तरफ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हम कोरोना वायरस से जुड़ी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको लेकर के बातचीत करेंगे। वीडी शर्मा जी स्वागत है बहुत आपका। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, त्रिपाठी जी आ रही है। जी हम सबसे पहले ये चाहेंगे, हम सवाल करें कि आप प्रदेश की जनता को इस संकट की घड़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि वो उनकी ये संकट की घड़ी से वो निपट सके। प्रदेश की जनता से एक ही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन का आह्वान किया है जी, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है, उसको हम सब लोग पालन करें, अपने घरों के अंदर रहें। इस अपील को अच्छे से पालन करने का प्रयास बहुत गंभीरता से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक जो कर रहे हैं, इसके कारण से इसका समाधान निकलने का प्रयास इस महामारी का बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और यही सबसे अपील है कि हम इसी का पालन करते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी सामाजिक लोगों से अपील की है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम सारे नियम इन सबका पालन करते हुए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगा करके, सैनिटाइजेशन के माध्यम से हम सबका पालन करते हुए लोगों की मदद करें, यही मध्य प्रदेश की आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं। जी एक सवाल और है कि हालांकि ये संकट की घड़ी दूसरी तरह की है, 1965-66 के आसपास लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे तो चाइना के अटैक के दौरान जब करें लॉकडाउन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। दुनिया भर के साथ भारत में भी लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज दिनांक तक भारत में 1400 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं जिसमें 45 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इस वायरस की चपेट से छत्तीसगढ़ भी अब अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहां वायरस का प्रकोप ज्यादा नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 8 है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर शिक्षा विभाग सरकार के आदेश पर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहा है, जैसे पहले सभी परीक्षाएं रद्द की गई, सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया चाहे सरकारी हो या फिर निजी, फिर मिड डे मील को भी बंद कर खाने के बदले कच्चा दाल चावल देने की शुरुआत की गई है और ऐसे ही कई जो बड़े फैसले लिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, जितना ये जो फैसले लिए गए वो कितना फायदेमंद रहा, विभाग की आगे की क्या रणनीति है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पर कितना अमल हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी। प्रेम साय सिंह टेकाम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। प्रेम साय सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? टेकाम की आवाज मिल रही है आपको मेरी?
हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी जुड़े हुए हैं और चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। प्रेम साय सिंह टेकाम जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोरोना को लॉकडाउन किया जाएगा त्रिपाठी जी? सबसे अच्छा जो निर्णय है कोरोना को लॉकडाउन करने के लिए वो यही है, जिस तरह से अलग अलग शहरों को, अलग अलग स्टेट को लॉकडाउन किया गया है, उसी के अनुसार ही इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। आपने देखा होगा अमेरिका में अंत तक अभी पिछले एक दिन पहले तक लॉकडाउन नहीं था, तो किस तरह से संख्या एक दिन में अकेले 20,000 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और खासकर देश में, हमारे अगर महाराष्ट्र और केरला को छोड़ दिया जाए, तो अभी स्थिति सामान्य के लगभग ही कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता का तो प्रश्न उठता है कि गंभीर मामला है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और न ही कोई इधर अन्य उपाय की जरूरत है। जो जिस तरह से सरकार अपना यह स्वास्थ्य विभाग अमला कह रहा है कि ये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेम साय सिंह टेकाम जी हमारे साथ जुड़ गए। टेकाम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टेकाम जी, कोरोना की इस जंग में क्या सबसे पहले क्या संदेश आप पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देश को देना चाहेंगे? एक कोरोना जो वायरस जो पूरे विश्व को में फैला हुआ है और पूरे राज्य इसके चपेट में, पूरा देश पूरा चपेट में इसके है, हमारी सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी की अगुवाई में कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जगह जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन किया गया है। सभी को घरों में रहने के लिए आग्रह किया गया है कि सभी घरों में रहें, घबराने की बात नहीं है। और जो भी मजदूर हैं या जो काम करने वाले हैं, उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है उनके रहने का, और जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। ग्राम पंचायतों में जहाँ जिनकी राशन कार्ड बने हैं उनको 2 महीने का राशन उनको दिया जा रहा है, जिनके नहीं बने हैं उनको 2 क्विंटल चावल और 25 किलो दाल की वहाँ व्यवस्था की जा रही है, और जैसे उसका खर्च होता है तत्काल वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सर्वप्रथम इसमें जो बच्चों की संख्या चूँकि ज़्यादा है, स्कूलों को बंद किया गया, परीक्षाएं उनको स्थगित की गई कि अब जो जिसमें भीड़ भाड़ जिसमें रहता है, तो ऐसे निर्णय उसमें लिए गए। छात्रावास आश्रम है उनको खाली कराया गया ताकि एक साथ भीड़ भाड़ में न रहें, क्योंकि ये एक साथ भीड़ भाड़ में रहने से ही ये फैल सकता है। तो सबको जो सोशल डिस्टेंस है उसके मेंटेन करते हुए ये काम किया गया है, और सबको सलाह यही दिया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहें, यही सबसे बड़ी सुरक्षा इसमें है कोरोना के बचाव के लिए। टेकाम जी, क्योंकि आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो विभाग है वो देख रहे हैं, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, सभी परीक्षाएं रद्द की गई हैं क्या? और साथ ही जो लोकल परीक्षा यानी कि जो 10वीं 12वीं को अगर हम छोड़ दें, जो 11वीं हो गई, 9वीं हो गई, सभी परीक्षा रद्द नहीं की, मतलब की गई है अभी, आज वो चाहे आपका लोकल परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो। बोर्ड की परीक्षा ऑलमोस्ट हमारी 10वीं की परीक्षा लगभग पूरी हो गई थी और 12वीं की परीक्षा भी लगभग लगभग पूरी हुई, लेकिन जो भी उसमें विषय बाकी हैं उनको फिलहाल अभी स्थगित किया गया है, ताकि अभी जो कोरोना का जो प्रकोप है ये कितना दिन तक उसमें रहता है, लॉकडाउन उसमें रहते हैं, लॉकडाउन उसमें रहता है, उसके बाद उसमें हम लोग निर्णय उसमें लेंगे। जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे जिनको मध्यान्ह भोजन हम लोग देते थे, तो चूंकि स्कूल बंद है तो उनका मध्यान्ह भोजन सूखा चावल और दाल देने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, और जो उनके जो पेरेंट्स हैं हमने पंचायत को भी जिम्मा उसमें लगाया है, वहाँ के हमारे टीचर हैं उनको भी जिम्मा लगाया है। तो जैसी परिस्थिति हो सकती है, नगरीय क्षेत्र में हमारे CMO हैं, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनको जिम्मा लगाया कि किस किस ढंग से उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं, घर पहुँच भी कर सकते हैं और उनके पालक अगर वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कम से कम संख्या पे आए,
प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा और 40 दिन तक का जो उनका मध्यान्ह भोजन का चावल है उसको देने की हमारे विभाग ने निर्णय लिया है। ठीक है टीकांत जी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि सभी परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं हो गई थी, जो बचे हुए पेपर हैं वो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम जो लोकल लेवल की बात करते हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं इनकी बात करते हैं, तो क्योंकि इनकी परीक्षाएं शुरू भी नहीं हो पाई थी, अब ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, इस वायरस का जो असर है वो कब तक रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अनसर्टिनिटी है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए, आपके विभाग के जरिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इनको सीधे प्रमोट किया जाएगा या फिर इनकी जो परीक्षाएं बाद में संचालित की जाएंगी, और संचालित की जाएंगी तो क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, पता नहीं है, अनसर्टिनिटी क्योंकि अभी भी बनी हुई है, इसलिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसका कोई सर्टिनिटी अभी नहीं है कब तक ये लॉकडाउन इसमें रहेगा, लेकिन RTI का जो निर्देश है उसमें पहली से लेकर 8वीं तक का सभी को पास करना रहता है, तो इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं इसमें कि जैसा आप चार जैसा सब लोग चाह रहे हैं उसमें, तो इसमें हम लोग निर्णय जल्दी ही इसमें लेंगे कि पहली से लेकर 8वीं तक की जो परीक्षाएं हों वो परीक्षाएं जनप उनको प्रमोशन प्रमोट कर दिया जाए, और वैसे जो जो कि बड़ी परीक्षाएं हैं 9वीं और 11वीं की, उसमें हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हम लोगों ने कर दिया है, उसकी पेपर की छपाई, बाकी टाइम टेबल उसमें हम लोग सेट कर दिया था, लेकिन अगर ये परीक्षा अगर ये अगर जारी रहा ये लॉकडाउन का तो उसमें भी हम लोग विचार कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, मैं अस्थित त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि अगर हालांकि दुआ करता हूँ कि ये आगे न बढ़े, 13-14 तारीख को समाप्त हो जाए, लेकिन आगे अगर बढ़ता है तो आपकी क्या तैयारी है इस पे? आप तो जो राज्य की परीक्षाएं हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ हैं उनको तो प्रमोशन दे सकते हैं, लेकिन जो CBSE की हैं उनसे भी क्या CBSE बोर्ड से आपकी बात हुई है कि उनको भी प्रमोशन देने के लिए, छत्तीसगढ़ में जो CBSE स्कूल है उनको प्रमोशन देने के लिए बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तो जो राज्य की जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। CBSE की परीक्षाएं तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री की जो घोषणा की थी उसने सभी परीक्षाओं को नहीं स्थगित किया है, अब उसके बाद ही जब 14 तारीख जो लॉकडाउन क्या स्थिति रहती है, और क्योंकि भारत सरकार की आपके जो CBSE के कोर्स वहां से उसका संबंध रहता है, तो हम अभी उसमें बात करेंगे 14 के बाद क्या स्थिति बनती है, उसके बाद उसमें निर्णय हो सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ और है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और अब तक परीक्षा हो जाया करती थी, और ऐसी स्थिति में अगर ये मान लीजिए 2-4-10 दिन और बढ़ता है, 20 तारीख तक चला जाता है, 20 अप्रैल तक चला जाता है, तो इस भयानक गर्मी में कैसे बच्चे एग्जाम देने आ पाएंगे सेंटर में? अब उसमें ये देखिए कि अब चूंकि ये अब जो कोरोना जो वायरस फैला है ये तो एक तरह से आपदा ही है, अब इसमें सभी को कुछ न कुछ उसमें झेलना उसमें पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उसमें कि उसकी व्यवस्था अलग से उसमें किया जाए, क्योंकि मैंने कहा कि 12वीं और 10वीं की परीक्षा कुछ रह गई हैं तो उनको मतलब स्थगित अभी नहीं किए, मतलब स्थगित अभी किए हैं, लेकिन हमारी तैयारी उसमें है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें आगे उसका बढ़ सकता है, सेशन भी हमारा उसमें आगे बढ़ सकता है विशेष परिस्थितियों में, ये हम लोग निर्णय लेंगे। बिल्कुल टीकांत जी, स्कूलों को बंद करने के आदेश के बाद भी जो काफी लंबे वक्त तक जो आश्रम पद्धति से जो चलने वाले और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो संचालित स्कूल है उनका संचालन होता रहा, ऐसा आखिर क्यों होता रहा फिर? टीकांत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? फिर कट गया बस, लगता है टीकांत जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जी, लगातार मतलब अभी वो स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बन पाई है जिसको बनाना जाना चाहिए था, और जिस तरह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं कि अभी तक कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाया है CBSE बोर्ड के डायरेक्टर्स को लेकर और राज्य की जो पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेके, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सफर जो करेगा वो बच्चा ही करेगा, तो किस तरह से इसको इस जो सिचुएशन से अब निकला जाए फिर? देखिए, राष्ट्रीय आपदा नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की आपदा आई हुई है, ऐसी स्थिति में तो इससे इसका असर आप सोच रहे हैं अगर कि लॉकडाउन की स्थिति में 13 के बाद सब सामान्य हो जाएगा, ऐसा होना नहीं है,
ये कम से कम इसका असर साल डेढ़ साल दो साल तक रहेगा, बीमारी को लेकर के नहीं। इस बीच में जो दो तीन महीने पूरा प्रदेश एक तरह से बंद सा गया है, बंद हो गया है, पूरा देश बंद हो गया है, आर्थिक स्थिति से लेके तमाम शिक्षा की स्थिति, इन एक डेढ़ महीने में जो बच्चा नहीं पढ़ पाया है वो उसको कैसे कवर करेगा। ठीक है जो होनहार बच्चे हैं वो हो सकता है कवर कर ले, लेकिन जो होनहार नहीं है वो नहीं कवर कर पाएंगे। इसका असर आगे आने वाले एक दो साल तक, एक डेढ़ साल तक कम से कम मुझे लगता है रश्मि पड़ेगा ही। और अगर इसका असर पड़ेगा तो ये हालांकि पूरे विश्व का मामला है, अकेले भारत देश या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का नहीं है, पूरे विश्व का है। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति भी अगर बात करें तो अभी मात्र 500 ही सैंपल लिए गए हैं और जिनकी जांच करवाई गई है और उसमें से 8 पॉजिटिव पाए जाते हैं। अभी ये सैंपल क्या छत्तीसगढ़ में इतने सारे लोग हैं और खासकर कोरबा है, कोरिया क्षेत्र है, रायपुर में भी है, दुर्ग में काफी 2500 के लगभग विदेश से लोग आए हैं पिछले एक डेढ़ महीने में। अभी उनकी सब की क्या जांच हो रही है ये एक गंभीर विषय है। बिल्कुल, दुआ यही है कि ना हो आगे। बिल्कुल। और टेकाम जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि स्कूलों को जिस तरह से बंद करने के आदेश आप लोगों के विभाग के द्वारा दिए गए थे, उसके बाद भी लंबे वक्त तक कई आश्रम पद्धति से चलने वाले जो स्कूल हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कूलों का संचालन होता है उनका संचालन होता रहा, आखिर इसके पीछे की क्या वजह बताई जाती है? नहीं, उसमें ये देखिए, उसमें सोचा यह गया था कि जो आश्रम छात्रावास है वो चूंकि एक जगह रहते हैं, वहाँ पे सबको, वहाँ कोई ना आए ना वहाँ से कोई जाए वहाँ पे, और पूरा सेंट्रलाइज करके उसको, उसकी पूरी स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था वहाँ पर रखा, ऐसे सोचा गया था। लेकिन बाद में ये नहीं कुछ नहीं कि सबको छुट्टी देना है, घर से सबके सबके फोन आने लगे कि सबको छुट्टी कीजिए, तो हम लोग ने सबको छुट्टी कर दिया गया। लेकिन सबसे सेफ जगह तो वही था कि आश्रम जहाँ पे हैं, जैसे आप अपने अपने घरों में सब लोग हैं, सबको ये कहा जा रहा है कि अपने घर में रहिए, घर से मत निकलिए, घर में किसी से मिलने न जाइए, किसी संपर्क में न आइए। तो वैसे ही छात्रावास भी हमारा होता है, वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती है और वहाँ एक साथ रहते हैं, इधर खाना खाते हैं, ऐसा सोचा गया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं सबको छोड़ना है, तो फिर बाद में उसको खाली कराया गया। टेकाम जी, एक सवाल यहाँ ये है, कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे समय पे सबको मिलकर साथ देना चाहिए, जिसमें चाहे मीडिया कर्मी हो, समाज सेवी हो, सरकार हो, पुलिस कर्मी हो, सबको मिलकर साथ देना चाहिए। लेकिन इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, जो कच्चा मध्यान्ह भोजन भेजा जा रहा बच्चों के लिए, वो सही ढंग से उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है, इसकी शिकायतें बहुत सारी आपके पास भी आई होंगी, उसके लिए कोई प्रबंध? नहीं, हम लोगों ने जो तय किया है कि 4, 3 और 4, 5 अप्रैल को जो भी जहां बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स को जो चावल और दाल, कच्चा चावल और कच्चा दाल उनको देने की पैकेट बना के उनको दिया जाने के प्रावधान किया गया है। उसमें पंचायत को भी इन्वॉल्व किया गया है, नगरीय क्षेत्र में जो CMO है उनको इन्वॉल्व किया गया है, महानगर में जहाँ पर कमिश्नर थे उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो किस प्रकार से कम संख्या में लोग आएँ, या तो उनको घर पहुँच जहाँ जहाँ हो सकता है वो घर पहुँचा के दें, और उनके पेरेंट्स अगर वहाँ पर आ सकते हैं लेकिन कम संख्या में, ये सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम लोगों का भीड़ कम रहे, इस बात की पूरा व्यवस्था किया गया। उनके पैकेट बना के उनको 40 दिन का जो राशन है उनको, उन बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सभी को इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं, उसमें सभी जो पंचायत हैं वो भी और हमारे जो शिक्षक हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्रिकेट आपको उसमें आदेश दिया गया है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। केकान जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जो उत्तर पुस्तिकाओं को घर में जांचने के आदेश जारी किए हैं, तो जो लोग इन पुस्तिकाओं को, जो कॉपियों को घरों में जांच रहे हैं, तो सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से कदम उठाए गए हैं? नहीं, ये तो पूरा गोपनीय रहेगा, अगर यहाँ अगर बुलाते तो 100 की संख्या में आते, यहाँ पर 100 की संख्या में आते तो सब इकट्ठे होते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर ये किया गया कि भाई घर में अब उसको कापी जाते हैं, और ये पूरी तरह से उसकी गोपनीयता का उसमें ध्यान रखा जाएगा कि कौन कापी कहाँ जाके किसी को नहीं मालूम रहेगा। अब आजकल तो किसी के नंबर उसमें रोल नंबर भी नहीं रहते, उसमें आपके नाम भी नहीं रहते, उसमें सभी को उसमें
बंद करके रखा जाता है, इसमें कोई कहीं वो नहीं होगी। ये सोचा गया कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि अगर यहाँ बुलाएंगे काफी जांचने के लिए तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ होगा उसमें। प्रीतम जी, इसी में हमारा पूरा सवाल है। आपने निश्चित कहा गोपनीयता और बरती जाएगी, लेकिन इसमें कोड नंबर दिया जाता है, कोड दिया जाता है, और वो आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब था तब भी आप संभाल, संयुक्त मध्य प्रदेश जो था उसमें भी आप मंत्री रहे हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं आप दिव्य सिंह जी के, उसमें आप ये जानते हैं कि ये कोड लीक हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था, जब सेंटर में काफी जस्ती थी तो एक सेंटर का जो इंचार्ज हुआ करता था वो कापियों का बंडल इस तरह से जैसे एक हाथ से उठाया और किसी को दे दिया, कहीं की किसी को दे दिया, कहीं की पूरे 100-150 लोग लाइन से बैठे रहते थे, वो उसमें पता नहीं चल पाता था किसी को कि किसकी कापी किसको दी गई। लेकिन इसमें पर्टिकुलर अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट का है, फिजिक्स सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, टीचर निश्चित है किसकिने चुने हैं, और किसी को मालूम पड़ा कि रायपुर की कोरबा में गई, मालूम ही पड़ जाता है, तो कोरबा में गई तो कितने केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कहीं न कहीं, हालांकि आप सरकार पूरा प्रयास कर रही है गोपनीयता बरतने का, लेकिन ये फेलर हो जाएगा उसका अगर जो इस तरह से कुछ छात्र होते हैं जो ये सब करते रहते हैं और वो उसके पास पहुंचेंगे, तो ये एक तरह से आपको नहीं लगता है कि मनमानी हो जाएगी, धांधली होगी कहीं न कहीं अगर इसको और लेट कर दिया जाए, सेंट्रलाइज बेस पे ही जाए। त्रिपाठी जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन ये पुराने वक्त की बातें हैं, ये बहुत पहले की बातें, इस प्रकार की संभावना थी, लेकिन अब बहुत ही गोपनीयता रखी जा रही इसमें, और काफी सावधानी के साथ जितने भी गड़बड़ी होती थी उस सबको ध्यान में रखते हुए काफी सावधानी के साथ इसमें काम किया जा रहा है, और बिल्कुल ऐसी कोई संभावना बिल्कुल नहीं है, उसकी पूरे इंतजाम हम लोगों ने किया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता क्या काम साहब कि अभी आप थोड़ा सा सत्र ही लेट होगा ना, जुलाई में आप सत्र चालू करते हैं तो अगस्त सितंबर तक लेट हो सकते हैं, इतनी बड़ी आपदा है, इसको अगर अपने बोर्ड ऑफिस में ही इसको पैक रखें, एक महीने 15 दिन 20 दिन बाद ये कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोगों को बुला करके चेक कराए कापियां, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा सत्र लेट होगा महीने डेढ़ महीने। नहीं बाबा, उसको बुरा आप जो कह रहे हैं बुरा मैं ध्यान में उसको रखूंगा उसको, क्योंकि सब तो लेट होगा, और जो हमारे जो एग्जाम बाकी हैं वो हम 14 तारीख के बाद निर्णय लेंगे, क्योंकि अब अगर जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो होशियार विद्यार्थी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनका जनरल प्रमोशन कर दिया जाए, वो तो चाहेंगे कि जितना हम अधिक से अधिक नंबर उसमें ले सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा तो इच्छा है कि परीक्षाएं होंगी 12वीं और 10वीं की, ताकि जो टैलेंट बच्चे हैं उनकी प्रतिभा की निखार उसमें आ सकता है। तो निश्चित रूप से आप जो कहना कि जो सत्र है वो तो लेट होगा, और पूरा ध्यान हम रखेंगे इसमें भी कापी की जचाई में भी, अगर उसमें विलंब हो सकता है या और कुछ उसमें व्यवस्था हो सकती है तो उसकी व्यवस्था करने की हम पूरी प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, केकान जी, लगभग 10वीं 12वीं के मिलाकर 4 से 5 लाख विद्यार्थी हैं, और इतने ज्यादा संख्या में जो आंसर कॉपी है उनकी जांच में भारी संख्या में जांचकर्ता कर्मचारी लगेंगे, ऐसे में कोरोना के संक्रमण से भी जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि इसी के चलते एहतियातन कदम उठाया जा रहा है और घरों पे ही कॉपियां चेक कराई जा रही है, तो क्या वाकई में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, गोपनीयता पूरी बनी रहेगी इसमें, कहीं कोई किसी को इसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। जी, और साथ ही अगर लॉकडाउन की हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरे वर्ल्ड में हम इसका असर देख रहे हैं, तो लॉकडाउन में जो शिक्षकों की को वेतन नहीं देने और नौकरी से निकालने की कई शिकायतें भी सामने आई हैं, आप भी इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं, तो ऐसे में निजी स्कूल के संचालकों के लिए राज्य शासन और प्रदेश सरकार की तरफ से क्या आदेश है, क्या शिक्षा विभाग इस ओर कोई कदम उठाएगा ताकि उनको मतलब नौकरी से ना निकाला जाए और उनका जो वेतन में कटौती की जा रही है उनको वेतन मिले, उनके भी घरों का संचालन सुचारू रूप से होता रहे? नहीं, जो शिकायत मेरे पास जो आई थी उसमें ये कि अभी जो एलबी थे उनको सम्मिलन किया गया है जनवरी में,
उनका वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो हमने निर्देश दिया है कि मार्च में किसी भी रूप में उनको वेतन दिया जाए। मैंने तो यही कहा था कि प्रथम सप्ताह में उनको वेतन दे दिया जाए। जिन जिन शिक्षकों शिक्षा कर्मियों को एक जनवरी से जिनका संविलियन विभाग में कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं अगर नहीं मिला है, तो 31 तारीख तक हर हालत में ऐसे शिक्षकों का वेतन उनको मिल जाना चाहिए, ऐसे मैंने विभाग को निर्देश दिया है। ये आपके विभाग का मामला है। रस्क जी का सवाल यह है कि निजी स्कूलों में मोदी जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं जो निजी कंपनियां हैं, निजी संस्थाएं हैं, इस लॉकडाउन के दौरान उनके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन ना काटे जाए, ये मोदी जी ने भी अपील की थी। वही इनका सवाल यह है कि जो निजी स्कूल है और लॉकडाउन हो गया है, तो निजी स्कूल के जो संचालक है, क्या उस पर कोई आपकी नजर है कि उनके यहाँ जो शिक्षक है उनका वेतन नहीं काटा जाएगा? नहीं, अभी तो मेरे ध्यान में तभी आया नहीं है जी। अगर ऐसा हो तो उसको देखवा लो। हाँ, ये बड़ी बड़ी समस्या होगी निश्चित तौर पे आगे चल के वेतन काटने की। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझ रही हूँ टेकाम जी, वक्त की आपके पास जी, भी बहुत बिल्कुल समस्या होगी जी। टेकाम जी, समझ रहे हैं कि आपके पास भी वक्त की बहुत कमी है, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अंतिम मेरा ये सवाल है कि क्या जो लोकल, मैंने पहले भी आपसे पूछा था और अभी भी पूछ रही हूँ कि जो लोकल क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, छठवीं सातवीं आठवीं तक का आपने बता दिया, नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों के सिनेरियो में मैं पूछ रही हूँ, क्या इनको प्रमोट किया जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि इसमें विचार हम कर रहे हैं, इसमें हम विचार कर रहे हैं कि नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों को भी लेकिन मैं भी ये भी बताना चाहूंगा कि पूरी हमारी तैयारी इसमें थी, हमारे उसके प्रश्न पत्र आ गए थे, सब सबके तैयार हो गए हैं, पूरी व्यवस्था, लेकिन उसके बावजूद भी कि आपका कोरोना का जो कहर जिस प्रकार से उनको पूरे प्रदेश में है, तो इसमें आगे इसको प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा विचार हम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है शाह जी कि आपके पास आदिम जात कल्याण विभाग भी है, ऐसी स्थिति में आप जानते हैं जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं उसमें 90% ऐसे हैं, 85% ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, यानी रोज कुआं खोदते हैं उससे पानी पीते हैं, रोज कमाते हैं खाते हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान उनको न तो कहीं काम मिल रहा होगा, न वो घर से निकल पा रहे हैं खाने, तो उनके लिए कोई अतिरिक्त आप व्यवस्था कर रहे हैं क्या सरकार की तरफ से? जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने करीब 8.5 लाख साढ़े 8 लाख मजदूरों को खाते में पैसा डाला है उन्होंने। मैंने पहले ये इस बात को कहा था कि हर ग्राम पंचायतों में जी 2 क्विंटल चावल और 25 किलो दाल रखा गया है इमरजेंसी के लिए, और जैसे ही वो खत्म होता है तत्काल वो मेंटेन रहेगा कि 2 क्विंटल चावल और 25 किलो दाल। वहाँ पंचायतों को जिम्मा लगाया गया कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे, किसी को काम मिले कि न मिले, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था पंचायतों के द्वारा किया गया है। नहीं, और भी जरूरतें होती हैं चावल दाल के अलावा, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, उनको कपड़े पहनने के लिए साधन चाहिए जी, उसके लिए कोई अतिरिक्त आपने व्यवस्था की है पैसे की? नहीं, चावल दाल नमक मसाला तेल सारी की व्यवस्था वहां पर की गई है। चलिए, बिल्कुल टेकाम जी, बहुत संक्षेप में एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो 5 से 6 महीने तो बहुत ज्यादा इस कोरोना वायरस का असर देखा जाएगा, तो ये जो 5 से 6 महीने जिस तरह से जो बच्चे भी पीछे हो जाएंगे अपनी शिक्षा पद्धति में, तो उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा फिर? क्या अतिरिक्त कोई क्लास उनकी बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे हो जाएंगे? नहीं, पीछे जैसे हो जाएगा। देखिए आपका जी। नहीं, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस क्लास की व्यवस्था करेंगे, ऐप के माध्यम से, दीक्षा एक हमारा है, और उसके ऐप बना के हम टीवी के माध्यम से और डिस्टेंस पढ़ाई के जरिए मतलब उनको हम पढ़ाने का व्यवस्था करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। बहुत शुक्रिया टेकाम जी, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टेकाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी, जिस तरह से आपने देखा कि तमाम कोशिशें कवायदे तो की जा रही हैं, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तो मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी,
जीतेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतेगा हिंदुस्तान और निश्चित रूप हारेगा कोरोना। कामयाबी तो मिलेगी ही, लेकिन हाँ, इस कामयाबी के विकट संकट का दौर है, किस तरह से इससे निपटना है, इसमें सबको, आम जन से लेकर के प्रशासन शासन सबको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी। बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम लगातार हमने टेकाम जी से भी चर्चा की और चर्चा में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में प्रमोट किया जाएगा या नहीं, तो उन्होंने कहा विचार किया जा रहा है। अगर विचार किया जाता है और इन बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और क्या निगेटिव पॉइंट्स होंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, मुझे जो लगता है प्रमोट करना ही पड़ेगा, प्रमोट किया भी जाएगा। जैसा उन्होंने कहा कि होनहार बच्चा परीक्षा देना चाहेगा, ये जो मार्किंग, जो माइलस्टोन कह सकते हैं, आप कहीं भी परीक्षाएं देते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, वो बोर्ड दसवीं और बारहवीं होता है, ग्यारहवीं नौवीं आठवीं सातवीं इनको नहीं देखा मध्य प्रदेश में, तो अब शायद पांचवीं और आठवीं भी बोर्ड कर रहे हैं, ये अलग होगा, लेकिन अगले साल अगले सत्र से कर देंगे। तो उसमें होनहार जो बच्चा होगा दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट होता है, उसको तो कर नहीं रहे वो, और उसकी लगभग परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। तो मुझे जो लगता है जनरल प्रमोशन, इसके पहले भी कई बार ऐसे हुआ है, दिया गया है, तो जनरल प्रमोशन मुझे लगता है देंगे, और मध्य प्रदेश में भी यही चल रहा है विचार, यहाँ तो लगभग फाइनल हो गया, जनरल प्रमोशन देंगे बाकी सब। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दुनिया भर के साथ भारत में भी लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आज की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 14 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और आप लोगों को पल पल का अपडेट देने के लिए स्वराज एक्सप्रेस लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। दीजिए इजाजत।